Sadhguru Designer Wedding Collection, handpicked fabrics and premium brands. Sadhguru Store, Naginabag, Ajmer. Jai Hind. मैं ललित खत्री और आज है 8 मार्च. 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विश्व भर में अलग अलग देशों में महिलाओं से संबंधित अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं, अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाती है, उनसे जुड़े सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है. उन मुद्दों पर चर्चा की जाती है कि किस तरह से महिलाओं को की तरक्की की जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए. इसी क्रम में अजमेर में MTTV इंडिया अजमेर की सुप्रसिद्ध प्रभावशाली महिलाओं से अजमेर की जनता को रूबरू करा रहा है. और अजमेर की इन्हीं प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट नाम रखने वाले सोफिया कॉलेज की प्रिंसिपल सिस्टर पर्ल. और आज हम सिस्टर से बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से सिस्टर का इस शिक्षा के क्षेत्र में आना हुआ. सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की. तो सिस्टर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप इस शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों में आप सम्मिलित हुई. मैं 2001 में मैंने MSc किया, और जब मैंने MSc किया 2001 में, तब मेरे कॉन्ग्रीगेशन ने मुझे बोला कि आपको सोफिया कॉलेज में एज ए लेक्चरर जाना है. तो पहले मैं सोचती थी कि मुझे सोशल वर्क में जाना है और मैं लोगों के साथ कार्य करना चाहती थी. मगर जब मुझे बोला कि आपको यहाँ पर एज ए लेक्चरर आना है, तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है कि यूथ के साथ, उनके साथ मिलकर उनको शिक्षा प्रदान करना और उनको होलसम शिक्षा प्रदान करना जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है. तो शुरू में मुझे बहुत ही ऐसा लगता था कि मुझे सोशल वर्क में जाना है. मगर मुझे वो फर्स्ट टीचर्स डे याद है जब 2001 में बच्चों ने कार्ड के द्वारा अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया. तब मुझे समझ में आया कि यदि मैं अपना जीवन जो मैंने उनको समर्पित किया है प्रभु यीशु के लिए, और मैं ईश्वर की सेवा अपने बच्चों में करना चाहती हूँ, और जो रिएक्शन मुझे उनसे मिला कि उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, उसको जानकर मुझे लगा कि मैंने शिक्षा में प्रवेश कर बहुत अच्छा काम किया है. और आज देखते देखते 19 साल पूरे हो गए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ एज एन एडुकेशनिस्ट, एज ए टीचर, वाइस प्रिंसिपल, और आज मैं प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पर सोफिया कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ये एक बुलाहट मिली शिक्षा के लिए. शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा सामाजिक कार्य भी, जैसे आपने बताया आपकी रुचि थी, तो हाँ, अभी क्या सामाजिक कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं? मेरा मानना है कि एक बच्चे को केवल एडुकेशन ही नहीं देना चाहिए. यदि वो एडुकेशन पाकर सोसाइटी को वापस नहीं देता है, तो वो शिक्षा कोई भी मायने नहीं रखती. तो हम यहाँ पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज में बहुत सारी हमारी इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में है, जहाँ पर हम बच्चों को समाज से जुड़ाते हैं. जैसे स्पेशली NSS के द्वारा वो रैलीज में जाते हैं, लोगों से जो अत्याचार हो रहे हैं, कैंडल राइट रैली और अलग अलग तरह से उनको वो नुक्कड़ नाटक के द्वारा अवेयरनेस भी फैलाते हैं गांव-गांव में जाकर. इसके अलावा हमारे कॉलेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क जो हमने लिया है वो है ईच वन टीच वन प्रोग्राम. तो उसमें क्या होता है, हमारे कॉलेज के आसपास काफ़ी सारी छोटी बस्तियां हैं, वहां के 200 से ज़्यादा बच्चे कॉलेज में आकर और हमारे NSS के वॉलंटियर्स और जो भी दूसरे बच्चे हैं वो एक साथ मिलकर उन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं. मैं भी एक NSS प्रोग्राम ऑफिसर थी, और मैंने देखा कि ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उनके पेरेंट्स कभी हो सकता है कॉलेज तक नहीं गए हैं. मगर जब ये स्पेशली बच्चियाँ यहाँ पर आती हैं, ये दीदियों के साथ पढ़ती हैं, और वही काफ़ी बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब बड़े होकर उनका एक सपना है कि वो भी सोफिया कॉलेज में आए और पढ़े, और उन्होंने पढ़ा. इसके अलावा हम उनको एड्स सेंटर ले जाते हैं और एड्स से ग्रसित लोग हैं उनसे मिलना सिखाते हैं. चाचियावास है, स्पेशल स्कूल है,
और हम जेल में भी लोगों को हमारे बच्चियों को ले जाते हैं, जहाँ पर जैसे रक्षाबंधन है तो हम उनको सिखाते हैं कि ये गलत नहीं है, और उनके साथ कैसे मिल बांट कर उनके, और स्पेशली महिला वार्ड में हमारी बच्चियाँ जाती हैं, और महिला वार्ड के अंदर वो बच्चों, वो जो महिला हैं उनको शिक्षित करती हैं, उनके साथ मेलजोल करती हैं, और अलग अलग जगह पे हम लोग उनको एक्सपोजर प्रोग्राम के लिए है, बद्र विद्यालय है या दूसरी जगह पे भी हमारे बच्चों को हम ले जाते हैं। अभी एक माइग्रेंट वर्कर्स हैं बहुत सारे जो कोटड़ा में हैं, तो अभी उन्होंने सामान इकट्ठा किया, वहाँ पर वो लोग गए कोटड़ा में और उन्होंने वहाँ पर उनके साथ मिलजुल कर उनके लिए गेम्स ऑर्गेनाइज किए, उनको सामान दिया, राशन दिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से बच्चों के अंदर एक एक्सपीरियंस आता है वहाँ पर जाने के बाद कि ये लोग, हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है और शायद इनको नहीं मिला तो हमारा सोसाइटी के प्रति बहुत ही बड़ा कर्तव्य है। और बहुत सारे बच्चे सोशल वर्क करते हैं, MSW के लिए आगे जाते हैं और दूसरा कार्य भी वो लोग करते हैं, तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सोफिया कॉलेज अंडरटेक करती है। तो सिस्टर, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में आए, तो शिक्षा के क्षेत्र में आके कई ऐसे क्षण होंगे आपकी लाइफ में कि जब आपको लगा होगा कि मैंने बहुत सही इस क्षेत्र को ऑप्ट किया है, तो ऐसा कोई क्षण आप बताएंगे जब आपको लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आके आपने बहुत सही कार्य किया? मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं भी सोफिया कॉलेज की ही एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी इसी कॉलेज में पढ़ाई की है, और देखते देखते इस साल 19 साल पूरे हो जाएंगे मेरा एक जब मैं पढ़ाने लगी उसके बाद। और मेरा ये मानना है कि ये जो बच्चे यहाँ पर आते हैं वो मेरी ही बेटियाँ हैं, तो मैं उनको अपनी बेटियाँ के जैसे उनको मानती हूँ। और मैंने ये देखा है कि ये, मैं उनको कहती भी हूँ कि हर भगवान मुझे हर साल 500 बेटियाँ लेके आता है, और जब वो जाती हैं तो मेरी बेटियाँ, मेरे पास 1700 बेटियाँ हैं, और मैं उनको समझाती हूँ कि जो भी मैं करती हूँ उनके लिए प्यार से करती हूँ, जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। मैं उनसे कहती हूँ असेंबली के लिए कि यदि ज़िंदगी में ऐसा मौका हो कि कोई भी नहीं है तुम्हारे पास सुनने के लिए, उस दिन तुम मुझे फ़ोन करो, मैं तुम्हारे फ़ोन का जवाब दूंगी, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगी, तो तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं होगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे यूथ हैं जो कोई नहीं होता उनसे कुछ कहने के लिए, तो वो लोग आत्महत्या करते हैं या गलत स्टेप उठाते हैं। तो मैंने उनको ये तक कह रखा है कि आपके पास कोई नहीं हो तो आप मुझे फ़ोन कीजिए। और ऐसा मौका आया जब एक लड़की थी जो बहुत डिस्ट्रेस में थी, उसने मुझे रात को फ़ोन किया कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, मगर आपने मुझे कहा था। तो मैंने उसके साथ समय बिताया, 2 घंटे बिताए उसके साथ, और वो बच्ची का ज़िंदगी बच गई और उसने ऐसा किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यही मेरा कर्तव्य, यही मेरा धर्म है। मदर्स डे पे मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मदर्स डे पे बच्चे जानते हैं कि हम उन्हें प्यार करते हैं, और बहुत सारे उनके रिस्पॉन्सेस आते हैं। तो मैं जो कुछ करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि बच्चों ये तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे अच्छी ज़िंदगी के लिए हम लोग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है और मुझे फुलफिलमेंट है। अच्छा सिस्टर, अगर आप जैसे शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होते, अगर जैसे अभी तो आप प्रिंसिपल हैं इतने रिनोन्ड कॉलेज के, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होते तो आप अपने आप को कहाँ देखते? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगी कि यदि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में नहीं गया, मैं अगले जन्म में भी एक शिक्षक के रूप में ही पैदा होना चाहूँगी। बिकॉज एक शिक्षक केवल एक टीचर ही नहीं होता, एक शिक्षक एक पेरेंट होता है, अ फ्रेंड होता है, एक गाइड होता है, एक बहन भाई का रूप अदा करता है। तो हमारी ये बहुत सारे रोल्स हैं जो हम स्टूडेंट के साथ निभाते हैं। तो कभी बीमार हो जाता है बच्चा तो हमें उसके एक नर्स के रूप में भी एक देखभाल करनी पड़ती है, हमें एक गाइड के रूप में, एक काउंसलर के रूप में, इतने हम रोल्स निभाते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि भगवान ने अगर मुझे अगले जन्म में भी एक टीचर ही बनाए। और आप अजमेर की जो महिलाएँ हैं, जो बालिकाएँ हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि एक महिला, एक लड़की को पहले, सबसे पहले अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि हर एक लड़की यदि अपने आप से प्यार करेगी और अपनी शक्ति को समझ पाएगी तो उसका वो पूरी तरह से वो उसका महत्वपूर्ण उपयोग कर पाएगी। क्योंकि हम अपने आप को कम समझते हैं और फिर हम सोचते हैं कि दूसरे हम पर दबाव डालेंगे।
यदि हम नहीं चाहेंगे तो कोई हम पर दबाव नहीं डाल सकता। तो हम अपनी शक्ति को, हम विमेन शक्ति को पहचानें और अपने आप से प्यार करें। हम दूसरों के लिए प्यार के लिए निर्भर नहीं करें कि वो मुझे प्यार नहीं करता, ये मुझे प्यार नहीं करता। यदि हम ही अपने आप को प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी हमसे ही प्यार करेंगे। और गो एंड स्प्रेड जॉय, लव एंड पीस ऑल अराउंड। वुमेन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। मैं मानती हूँ कि ईश्वर की सबसे सुंदर कृति एक औरत है। तो एक औरत को वो सुंदरता समझना है कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर बनाया है और इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए एक अलग अलग रोल में माँ, फ्रेंड, टीचर, गाइड, डॉक्टर, कितने रूप्स में, कितने रोल्स हैं हमारे पास। तो मैं यही कहना चाहूँगी अजमेर की महिलाओं के लिए कि आप अपनी सुंदरता को समझें, पहचानें और इस दुनिया को और सुंदर बनाएं। क्योंकि कहा जाता है जहाँ पे भी एक औरत अपना हाथ रखती है वहाँ पर सृजन होता है। तो एक औरत को ईश्वर ने अपने को क्रिएटर, सृजनहार के रूप में, एक सहायक के रूप में बनाया है। तो औरत में इतनी क्षमता है कि जहाँ पे भी वो हाथ रखती है उसमें नई, उसमें जान आ जाती है। तो हमें उसको पहचान के दुनिया को बहुत सुंदर बनाना है। क्योंकि हमें डार्क साइड नहीं देखना, नेगेटिव साइड नहीं देख के पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि आई बिलीव दैट देर इज़ नो लिमिट फॉर वुमेन, वुमेन कैन रीच द स्टार्स। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे फ्रॉम सोफिया कॉलेज, डॉक्टर सिस्टर पर्ल प्रिंसिपल। God bless you. Be proud to be a woman and celebrate womanhood. Thank you, sister. Thank you. तो ये थे हमारे साथ सोफिया कॉलेज अजमेर की प्रिंसिपल सिस्टर पर्ल। इसी तरह से हम आगे भी अजमेर की प्रभावशाली महिलाओं से आप लोगों का रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।